Hello friends, I am Arindraj Singh. I am from Varanasi. I have secured rank 9th in NEET 2017 exam. मैं अपनी स्कूलिंग दीपक वाराणसी से क्लास 12th मैंने पास की. मेरे क्लास 12th में 96.2% थे. मैंने कोचिंग के तौर पे आकाश का क्लासरूम प्रोग्राम चूज़ किया था, आकाश दुर्गाखंड वाराणसी से. एंड मैं एलम के DLP स्टूडेंट भी रहा हूँ. पर मैं बायोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा. बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है नीट में. एंड इसमें आपको 90 क्वेश्चन फेस करने होते हैं. इसमें से आज तक का ट्रेंड है कि 80 प्लस क्वेश्चन NCERT से 2 पॉइंट पूछे जाते हैं. आज तक का ये उसके डायग्राम्स वर्ड टू वर्ड NCERT आपको लाइन से पढ़नी पड़ेगी. NCERT आपको कम से कम डबल डिजिट में पढ़ना ज़रूरी है, तब ताकि आपको आप टू द पॉइंट और आपके फिंगर टिप्स में NCERT रेडी हो. उसके बाद आप साइड बुक्स में, जैसे मैंने नोट्स पढ़े अपने कोचिंग के, अपने नोट एंड स्टडी पैकेजेस पढ़े कोचिंग के. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ट्रूमैन भी पढ़ी थी 11th एंड 12th बोर्ड. एंड मैं ये कहना चाहूँगा, बायो में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पे इस साल बाहर जो क्वेश्चन पूछे गए थे एंड वो आउट ऑफ सिलेबस थोड़े क्वेश्चन थे, एंड उसके लिए मेरे को ट्रूमैन एंड आकाश के मॉड्यूल ने काफ़ी हेल्प की. एंड मेरा स्कोर इस बार बायोलॉजी में 350 आउट ऑफ 360 था. मैं ये कहना चाहूँगा, आप प्लांट फिजियोलॉजी पे टीचर्स का सपोर्ट ज़रूर लें, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी ऐसा टॉपिक है जैसे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं. उसमें आप बिना टीचर्स के NCERT की लाइंस नहीं समझ सकते. आप टीचर से ज़रूर उसका रेफरेंस ज़रूर लें, टीचर से ज़रूर एक बार वो टॉपिक समझ लें. एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी ज़रूर आप साइड बुक कोई ना कोई, जैसे मैंने ट्रूमैन की, आप उसे फॉलो करें. उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, तब आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं एंड आप टारगेट रखिए कि आप 40 मिनट्स में अचीव कर लें, ताकि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम बचा सकें. कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम लोग के पास 3 सेक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो NCERT के सभी क्वेश्चन लगा लें. फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है फिजिकल केमिस्ट्री में, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर आप क्रैम नहीं कर सकते चीज़ों को, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है फिजिकल केमिस्ट्री में. मैंने तो नोट्स, जैसे मैंने बायोलॉजी में कहा, नोट्स एंड मॉड्यूल तो की अपने कोचिंग की. अपार्ट फ्रॉम दैट आप नरेंद्र अवस्थी जो जेई मेन लेवल की बुक आती है, आप वो ट्राई कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. एंड मैंने तो आरती गुप्ता भी की थी फिजिकल केमिस्ट्री में. एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा कि NCERT पहली है, वो बायोलॉजी की टाइप है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप उसे, आपको मोस्टली क्रैम करना है उनको, चीज़ों को याद करना, तो आप कुछ मेमोरी टिप्स या कुछ तरीके से मेमोरी ट्रिक्स के थ्रू आप उसे मेमोराइज करें, बार बार रिवाइज करें, वो बहुत ज़रूरी है. आपको बहुत बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है इनऑर्गेनिक. कम से कम आपको 10 to 12 टाइम्स आपको रिवाइज होना चाहिए, तभी आप कुछ ऑप्शंस गलत नहीं करोगे उधर एग्जाम में, कोई सिली मिस्टेक्स कमिट नहीं करोगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. इनऑर्गेनिक में भी मैंने साइड बुक कोई नहीं ली थी मुझे, क्योंकि आज तक NCERT से ही पूछेगी. एंड नोट से एक क्वेश्चन इस मेरे टीचर्स के नोट से एक क्वेश्चन हिट हुआ था, जिसकी वजह से मेरे केमिस्ट्री में 170 आउट ऑफ 180 मार्क्स मैंने अचीव किए. एंड कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको NCERT सबसे पहले पढ़े, नोट्स एंड मॉड्यूल तो मैंने पढ़ी है अपनी कोचिंग की. उसके अलावा मैंने आरके गुप्ता फॉलो की, एंड आप GRB की मेडिकल एडिशन भी फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. उसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता नीट में. नाउ फिजिक्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए. एंड दिस इज द रीज़न वाई हम लोग मैथ से कोई लोग एस्केप करके बायोलॉजी चूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th. मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी स्टार्टिंग से, तो फिजिक्स में मैं टाइम बचता था. पर जैसा मैंने फील किया अपने बाकी क्लासमेट्स से कि फिजिक्स में आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. 50% ऑफ द टाइम जो आप स्टडी कर रहे हैं, 8 to 9 आप स्टडी की हैबिट बना लीजिए. 8 to 9 आवर्स में जो आप 50% फिजिक्स को डिवोट करें, लगातार ना करें, 2 hours के सेशन में करें, ब्रेक के साथ करें. एंड फिजिक्स जो है न्यूमेरिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है. जो छोटे क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, हर बार पेन ना उठाए, क्योंकि मेडिकल है, आपको जल्दी क्वेश्चन करने फिजिक्स के, 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करने फिजिक्स के आपको देखा जाए तो फिर आपको आप जो छोटे क्वेश्चन होते हैं आपके स्टडी पैकेजेस के NCERT के, उसको मेंटली सॉल्व करें. उसके लिए पेन पेंसिल ना उठाएं, कोशिश कीजिएगा मेंटली से आपकी मेंटल स्पीड बढ़ेगी, उससे आपको बहुत हेल्प होगी मेन एग्जामिनेशन में. फिजिक्स का प्रेशर ना ले, उसे डरे ना, उसे फेस करें. फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं तो फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप इंटरेस्ट डेवलप करें फिजिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स ही आपके सिलेक्शन रोक सकता है, आपकी रैंक उठा सकता है. मेरी फिजिक्स में 170 मार्क्स थे आउट ऑफ 180, इसी वजह से मेरी रैंक 9th है ऑल ओवर इंडिया. एंड फिजिक्स के लिए मैं ये कहूँगा, अपार्ट फ्रॉम स्टडी पैकेजेस NCERT एंड द मॉड्यूल एंड नोट्स, आई ऑप्टेड फॉर HC वर्मा. फिजिक्स रिनाउंड बुक है, आप ज़रूर उसके क्वेश्चन कीजिए. एंड उसके जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 होते हैं मल्टीपल ऑप्शन, वो भी आप जरूर कीजिए, उससे कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं. टीचर्स के
टच में जरूर है। फिजिक्स आप ऐसा है कि आप, अगर मैं 2 दिन बाद में आपसे कोई टेस्ट ले लूँ तो आप बायोलॉजी का टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि आप उनको क्रैम कर सकते हो चीज़ों को, पर फिजिक्स का टेस्ट विदाउट कंसेप्ट आप नहीं दे पाएंगे। तो आपको कंसेप्ट डेवलप करना उसमें समय लगता है, पर हाँ ये फ्रूटफुल चीज़ है फिजिक्स की, आप एक बार कंसेप्ट डेवलप कर लिए फिजिक्स में तो फिर आपको वो लॉन्ग टाइम रिटेन रहता है, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें फिजिक्स में। एंड फिर एच सी वर्मा के अलावा मैं ये कहूँगा आप डीसी पांडे मेडिकल एडिशन भी लगा सकते हैं फिजिक्स की, वो भी बहुत फ्रूटफुल होती है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं पिछले साल के भी, प्रीवियस ईयर। एंड हाँ, ये 3 हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। अब ये ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, मेहनत तो करनी है आपको, एंड इसके अलावा आपको एक टाइम शेड्यूल आप कोशिश करें बनाएं, आप 3 आवर्स के सेट में पढ़ें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी 3 आवर्स का देना है, उसमें आप कुछ खाएं पिए ना और पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि आप एग्ज़ाम में आप डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करोगे। एंड ये भी है कि थ्रू आउट 2 ईयर्स आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, टेस्ट में भी कोई भी टेस्ट स्किप ना करें। स्कूलिंग मैं ये कहूँ, स्कूल आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है स्कूल के साथ, ये उस पर ये कहूँगा कि आप स्कूल के सभी टेस्ट दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी को जो चीज़ें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोलॉजी है 11th की, रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है 12th में जब आपके बोर्ड्स अपीयर हो रहे होते हैं आप बोर्ड्स के लिए, तो उस समय आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करती है कि आपने 11th में एक बार अच्छे से यूनिट टेस्ट हो गए आपके स्कूल के, हाफ एयरली हो गए, प्री बोर्ड्स हो गए, 11th के एनुअल्स हो गए, उनके थ्रू आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर टेस्ट स्किप करेंगे तो एंड में आपको रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, फिर आपको स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनहेल्दी हो जाएगा। तो फिर आप स्कूल को लेके चले स्टार्टिंग से, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एंड में। अब मैं फ्यूचर मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि आपको पूरी लगन और डेडिकेशन से 2 ईयर्स हार्डवर्क करने, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ना सोचें, आप इनपुट और आउटपुट का जरूर ध्यान दें। आपको इतने ज़्यादा इनपुट मिले जा रहे हैं आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू, आपके बुक्स के थ्रू, आपको इतने इनपुट दिया जा रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आउटपुट दें। आउटपुट कैसे दे सकते हैं, अपने लगन और हार्डवर्क के थ्रू ही दे सकते हैं। और ये कहूँगा, स्मार्ट वर्क कहा जाता है आजकल, प्रमोट किया जाता है स्मार्ट वर्क करें, पर अगर आप स्मार्ट वर्क से 6 आवर की स्टडी 3 आवर में कर सकते हैं तो रिमेनिंग 3 आवर्स आप हार्ड वर्क के थ्रू कम्पनसेट करें, कि आप उसमें भी आप 3 आवर्स और स्मार्ट वर्क के थ्रू स्टडी करें तो आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे एक दिन में। दूसरा ये कहूँगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट हार्ड वर्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप थ्रू आउट 2 ईयर कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट मायने रखती है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कितने डेडिकेटेड होकर स्टडी कर रहे हो। एंड फिर ये कि जो मैंने गाइडलाइन दी है आप उसे दिल्ली नॉलेज ट्यूब पे आप फॉलो करें, एंड मैंने भी उसको फॉलो किया था जब मैं नीट देने वाला था, मैंने भी कई के इंटरव्यू पढ़े थे और मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगे, उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, एंड वही चीज़ें मैंने भी शेयर की आपको। थैंक यू।